एहो कुटुंब तुझे देखदा एहो कुटुंब तुझे देखदा चले नहीं तेरे नाले ए मन प्यारिया तू सदा सच समाले ए मन प्यारिया तू सदा सच समाले ए हो कुटुंब तुझे देखदा एहो कुटुंब तुझे देखदा चल नहीं तेरे नाले चल नहीं तेरे नाले ये मन प्यारिया तू सदा सच संभाले ए मन प्यारिया तू सदा सच संभाले इस नाल क्यों चित लाइए साथ तेरे चले नहीं इस नाल क्यों चित लाइए ऐसा कम मूल न कीजे जित अंत पछताइए ऐसा कम मूल न कीजे जित अंत पछताइए जित अंत पछताइए ये मन प्यारिया तू सदा सच संभाले ये मन प्यारिया तू सदा सच संभाले एहो कुटुंब तुझे देखदा एहो कुटुंब तुझे देखदा चल नहीं तेरे नाले चल नहीं तेरे नाले ये मन प्यारिया तू सदा सच संभाले ये मन प्यारिया तू सदा सच संभाले सतगुरु का उपदेश सुने
होवे तेरे नाले सतगुरु का उपदेश सुन तू होवे तेरे नाले कह नानक मन प्यारे तू सदा सच समाले कह नानक मन प्यारे तू सदा सच समाले तू सदा सच समाले तू सदा सच समाले ये मन प्यारिया तू सदा सच समाले ये मन प्यारिया सदा सच इहो कुटुंब तू जे देखदा इहो कुटुंब तू जे देखदा चल नहीं तेरे नाल चल नहीं तेरे नाल ये मन प्यारिया तू सदा सच समाले ये मन प्यारिया तू सदा सच समाले तू सदा सच समाले तू सदा सच समाले वाहिगुरु परम सत्कार जो धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र निकी गोद का आनंद माण रही सतगुरु जी की साजी नवाजी गुरु रूप गुरु प्यारी गुरु सवारी सतसंग जी आओ सब तो पहला धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज वालों बख्शिश की हुई फतेह बुलाइए जिन्नी भी संगत धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की हजूरी अंदर आप जी जुड़ के बैठे हो सतगुरु जी नूं सीस नवाओ गज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह जो आया सो चल सी सब कोई आई वारी है राणा राव ना को रहे रंग ना तुंग फकीर वारी आपो अपनी कोई ना बंदे तीर जिमें आप जी सारिआं नूं पता ही है अज साडे इत्थे एकत्र होण दा की कारण है साडे अति सत्कारयोग सरदार बगीचा सिंह जी जो कि सानूं पिछले दिन ही सदा वास्ते सदीवी विछोड़ा दे गए अज उन्हां दी अंतम अरदास अंदर शामिल होण वास्ते उन्हां नूं शरदा दे फुल भेट करन वास्ते आपां सारे बैठे हाँ। महाराज कहिंदे जिहड़ा भी जीव इह दुनिया ते आया उन्हें एक ना एक दिन जरूर जाना ही जाना है। जो आया सो चल सी सब कोई आई वारी है। जिहड़ी चीज पैदा हुई है उन्हें खत्म होना जां सौखे ढंग नाल समझ लईए
जिहड़ी भी चीज असीं अपनियां इन्हां अखां दे नाल वेख रहे हां, वह चाहे कोई भी चीज है, चाहे जीव जंतु है, बनस्पति है, पहाड़ हन, समुंदर है, सूरज है, चंद्रमा, कोई भी चीज है, जिहड़ी भी चीज अपनियां अखां नाल आपां वेख रहे हां, इन्हें एक ना एक दिन जरूर खत्म हो जाना। मौत एक अटल सच्चाई है, मौत तो अज तक कोई नहीं बचिया। मौत तो बचन वास्ते बड़े लोगों ने बड़े बड़े साधन अपनाए, पर जदों अकाल पुरख वाहिगुरु जी का बुलावा आ जाता है, जदों परमात्मा वाहिगुरु जी सद्दा भेज दिंदा, तां सानू इह संसार तों जाना ही पैंदा। अपने भारत देश विच इहो जे राजे भी आए है जी, जिहड़े राजियां दे मन विच एडा वड्डा भुलेखा पैदा हो गया सी, भी मैं मर नहीं सकदा, मैं अमर हाँ, मैनू कोई मार नहीं सकदा। जिहड़े राजे नूं तुसीं दशहरे वाले दिन जलाउंदे हो, फूकदे हो, ओ राजे दे मन विच एडा वड्डा भुलेखा सी, मौत नूं मैं अपने पावे दे नाल बन्निया होया। तां गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दी बाणी कहिंदी है, लंका गढ़ सोने का भया, मूर्ख रावण क्या लै गया। बाणी ने रावण नूं मूर्ख कह दिता। क्यों मूर्ख आख्या? क्योंकि रावण दे मन विच इह भुलेखा सी, मैं दुनिया तो नहीं जाना। अपने देश विच एहो जे राजे भी आए है जिन्हां ने परमात्मा दा वर लैके एहो जे वर लए सी, नाम जप जप के, किहो जे ना मैं दिने मरा, ना रात मरा, ना धरती ते मरा, ना आकाश विच मरा, ना घर दे अंदर मरा, ना घर दे बाहर मरा। हरनाकश वर्गे राजियां ने परमात्मा दा नाम जप के एहो जे वर लए सी, पर जदों वाहिगुरु जी का बुलावा आ गया, हरनाकश वर्गे राजियां नूं भी जाना पिया। इत्थों ये गल तां स्पष्ट है भी जिन्ने असीं तुसीं दुनिया ते आए हां, असीं एक ना एक दिन जाना जरूर है, पर अपने मना विच झाती मार के वेखीए, असीं दुनिया ते करन की आए हां। ये गल तां पक्की है ना जी, मरन लिखाए मंडल में आए, असी अपना मरना पहला लिखा के फिर सानू जन्म मिलिया। परमात्मा दे कोल असी मरना लिखा के आए हाँ, वह वक्री गल है। सानू दुनिया ते आके अपना मरना भुल गया। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। अज साडे इत्थे बैठण दे कुछ कारण है। पहले नंबर ते असी सरदार बगीचा सिंह दी अंतम अरदास अंदर शामिल होण वास्ते पहुंचे हाँ। धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के चरणों में अरदास बेनती करने वास्ते पहुंचे हैं। महाराज जी सरदार बगीचा सिंह जी कोलों दुनिया विच रहिंदिया संसार विच विचरदिया बड़ियां भुल्लां हो गईयां होणगियां। महाराज कृपा करियो, लेखै कते ना छुटिए खिन खिन भुल्लण हार, बख्शण हार बख्श लै नानक पार उतार। महाराज संसारी जीव है, भुल्लण हार है, उन्हां दे कोलों भी भुल्लां हो गईयां होणगियां। महाराज उन्हां नूं बख्श के अपने चरणां च निवास बख्शियो। पहले नंबर ते आपां अरदास करन आए हां सरदार बगीचा सिंह प्रति, ते दूजे नंबर ते असीं परिवार दे नाल दुख सांझा करन वास्ते पहुंचे हां। आप जी वर्गे सियाणियां दा कहना है, जदों किसे दी दुख दी घड़ी विच जाके दुख वंडा लिए तां दुख घट जांदा। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। परिवार दे नाल दुख सांझा करन वास्ते पहुंचे हां, ते तीजे नंबर ते साडा भी इत्थे बैठण दा कुछ कारण है। साडा की कारण है? असीं भी अपने मन नूं इह समझाणा मना, जिथे सरदार बगीचा सिंह जी चले गए, एक ना एक दिन उत्थे तैवी जाना। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। साहिब संभाले पंथ निहाले, असां पे उत्थे जाना, असीं सारिआं ने उत्थे जाना। मैं बड़ी वार कहना हुंना, अज जिथे सरदार बगीचा सिंह दी फोटो पई है,
अपने मन नूं समझा के रखिए मना एक ना एक दिन तेरी फोटो भी इत्थे पई होणी आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। अपने मन विच झाती मार के वेखिए जी असी दुनिया ते की करन आए हां। मरना तां एक दिन सारिआं नहीं है, वारी आपो अपनी कोई ना बंदे धीर। वारी आउण दे नाल नाल हर कोई दुनिया चों जा रिहा। जानो वध जिन्हां नूं प्यार करदा तेरे वीर ते तेरे भाई तुर गए। ओए मना मूर्खा बिस्तरा गोल रखी तेरे नाल दे कई शरीर तुर गए। अज इहो जिहा शरीर सानू मिलिया ना जी, ऐदा दे शरीर दुनिया ते पता ही नहीं किन्ने काए ते किन्ने तुर गए। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। महाराज कहिंदे तेरी भी वारी आएगी। सरदार बगीचा सिंह दी वारी अज आ गई। जागो जागो सुते हो चलिया वणजारा, साडे विचों एक वणजारा वणज करके चलिया गया ते कल नूं पता नहीं किहदी वारी आ जाए। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। कोई पता नहीं है, पर किते सोच के वेखो वे रब ने दुनिया ते भेजिया क्यों है। असी दुनिया ते बच्चे पालन आए हैं जी, असी दुनिया ते माया कट्ठी करन आए हाँ, जां असी दुनिया ते वड्डे वड्डे घर बनाउण वास्ते आए हाँ, जां जमीन जायदाद कट्ठी करन आए हाँ, जां असी दुनिया ते खाण पीण वास्ते आए हाँ, जां सौण वास्ते आए हाँ। असल विच कलजुगी जीव दे लक्षण यही है, इहनूं अज खाणा भी याद है, सौणा भी याद है, हर एक चीज याद है, पर जेड़ा काम करन वास्ते आया इनू भोली गया। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। जे असी दुनिया ते खाण पीण वास्ते आए हुंदे खांदे तां पशु पंछी भी है जी, जे असी दुनिया ते सौण वास्ते आए हुंदे तां सौंदे तां पशु पंछी भी है, जे असी दुनिया ते बच्चे पालन वास्ते आए हुंदे बच्चे तां पशु पंछियां दे भी पाले जांदे है। जे यही कुछ असी दुनिया तो करके चले गए साढ़े ते पशुओं विच की अंतर होया। साढ़े ते पशुओं विच बहुत वड्डा अंतर है। एवीं नहीं गुरबाणी ने आख्या इस देही को सिमरै देव सो देही भज हर की सेव। आ जिहड़ा शरीर सानू मिलिया इस शरीर नू देवी देवते भी लोचदे है। एक घट 84 लख जूना तो बाद सानू सरदार जूनी मनुखा शरीर मिलिया। ਇਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪੈਰ ਦਿੱਤੇ, ਕੰਨ ਦਿੱਤੇ, ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਜੇਬਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੱਥ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਕੀ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਨੁੱਖ ਦਿਓ ਹਰੀਆ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਵਰੀਆ। ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਆ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਤੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਜੇ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਭਲੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਨਾਮ ਜਪੇਗਾ, ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਸਿੱਖਾ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਸੇਵ ਕਮਾਈਏ ਤਾਂ ਦਰਗਹਿ ਬੈਸਣ ਪਾਈਏ। ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਮੁੱਖ ਉਜਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਮ, ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਤੇਰੇ ਕਿਸੇ ਲੇਖੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣੇ। ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਲੋਕ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਲ ਜਵਾਨੀ ਅਰ ਵਿਰਧ ਫੁੰਨ ਤੀਨ ਅਵਸਥਾ ਜਾਣ। ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਬਚਪਨ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਜੀ ਬਚਪਨ ਬੰਦੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਵਾਨੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਵਾਨੀ ਵੀ ਬੰਦੇ ਤੇ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਜਿੱਦਣ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਵਡੇਪੇ ਦੀ ਜਰ ਲੱਗ ਗਈ, ਜਿੱਦਣ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਵਡੇਪੇ ਦਾ ਜੰਗਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਦਣ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਵਾਨੀ ਨੇ ਵੀ ਹਾਰ ਜਾਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋ ਬਚਪਨ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਜਵਾਨੀ ਰਹੇਗੀ।
ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਵਡੇਪੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਵਡੇਪੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਮੌਤ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਮੌਤ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਏਗੀ। ਸੋਚਣਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਕੋਈ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੇ, ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਾਸੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਮੁਸਾਫਰ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ। ਬਾਣੀ ਨੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸਾਫਰਖਾਨਾ ਆਖਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਮੁਸਾਫਰ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੇਰਾ ਟਿਕਾਣਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੈਂ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਆ ਜਾਏ, ਪੈਸਾ ਆ ਜਾਏ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਸਾਡੀ ਬਣ ਜਾਏ, ਸਾਡਾ ਵਧੀਆ ਮਕਾਨ ਬਣ ਜਾਏ। ਕਿਤੇ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੈ ਵੀ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀਏ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ, ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਕਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਚੱਲੇਗੀ ਜੇ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗ ਚਲਤ ਹੈ ਹਮ ਭੀ ਚੱਲਣਾ, ਦੂਰ ਗਬਨ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਮਰਨਾ। ਮੈਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਹਰ ਰੋਜ਼। ਅੱਜ 25 ਤਰੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ। ਪਰ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ, ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਝੂਠ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਸੱਚਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰੇ ਬੋਰੇ ਤੋਹੇ ਘਰੀ ਨਾ ਰੱਖੇ ਕੋਈ, ਜਿੱਦਣ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਹ ਨਿਕਲ ਗਏ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਆਪਣੇ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਗਿਆ ਜੀ? ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਗਈ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਸਾਖ ਸੰਬੰਧੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਭੈਣ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਤੱਕ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਪਰ ਉਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸਫ਼ਰ ਸਾਡਾ ਇਕੱਲਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਬੜੀ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਅੱਗਾ ਕਿਹਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਨਰਕ ਸਵਰਗ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਅੱਗਾ ਕਿਹਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਅੱਗੇ ਜਾਤ ਨਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਅੱਗੇ ਜੀਓ ਨਵੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਰੋ ਬੇਨੰਤੀ ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ ਸੰਤ, ਟਹਿਲ ਕੀ ਵੇਲਾ ਈਹਾਂ ਖਾਟ ਚਲੋ ਹਰ ਲਾਹਾ ਅੱਗੇ ਵਸਨ ਸੁਹੇਲਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਪੁੰਨੀ ਪਾਪੀ ਆਖਣ ਨਾਓ ਕਰ ਕਰ ਕਰਨਾ ਲਿਖ ਲੈ ਜਾਓ। ਅੱਗੇ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਬੀਰ ਜਮ ਕਾ ਠਹਿੰਗਾ ਬੁਰਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਹਿਆ ਜਾਏ। ਉਹ ਜੇ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ, ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਭਲੇ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਤੇਰਾ ਅੱਗਾ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਹੋਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੈਨੂੰ ਜਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣੀ ਪਏਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰੀਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰੀਆ ਕਰੀਏ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਖਦਾ ਵੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਠੋ, 2 ਵਜੇ ਉੱਠੋ ਜਾਂ 1 ਵਜੇ ਉੱਠੋ, ਨਹੀਂ। ਗ੍ਰਿਸਤੀ ਵਾਸਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਾਰ ਵੀ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਪਾਲਣਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ,
पर सिखा घटो घट चार पांच बजे उठ के पांच दस मिनट तो शुरू कर जपया कर सतनाम श्री वाहिगुरु सतनाम श्री वाहिगुरु। जिदा जिदा तू परमात्मा का नाम जपता जाएगा वीर देखी अज असी कह दें ना भी टेंशन विच रहने डिप्रैशन विच रहने दुखी दुखी रहने साढ़े दुखी होने का की कारण है जी कदे सोचे आप ये सोच लें भी असी डिप्रैशन विचा टेंशन विचा जी दुखी रहने पर दुखी होने का कारण की है। महाराज कहते परमेश्वर ते भुलिया व्यापन सभे रोग सुख नाही रे हर भगत बिना। महाराज कहते परमात्मा की भगती तो बिना तेनू सुख कितों नहीं मिलना। आखो सतनाम सानू की लगता जी पैसे विच सुख है पदार्थां विच सुख है जे पदार्थां विच सुख हुंदा पैसे विच सुख हुंदा तां वड्डे वड्डे लोग सुखी हुंदे जे पैसे विच सुख हुंदा वड्डे वड्डे लोग कदे आत्महत्या ना करदे। असल विच पदार्थां विच सुख नहीं है सुख है परमात्मा दे नाम विच। धन गुरु अर्जन देव महाराज कहिंदे कहो नानक एहो तत् विचारा ऐ दुनिया वालिओ मैं संसार दा पूरा तत् कढ के वेख्या नचोड़ कढ के वेख्या। की नचोड़ निकलिया जी कहो नानक एहो तत् विचारा बिन हर भजन नहीं छुटकारा। परमात्मा दे नाम तो बिना छुटकारा नहीं हो सकता परमात्मा की बंदगी तो बिना छुटकारा नहीं हो सकता। करतारपुर साहब की धरती से बैठे धन गुरु नानक देव महाराज गुरु नानक देव महाराज के चरणों में आया एक सिख जिहदी इतिहास में उम्र लिखी है तकरीबन 10-11 साल नाम है भाई तारू पोपट एक भाई तारू सिंह जी होए है जिन्ह की खोपड़ी लाई गई पर इना दा नाम है भाई तारू पोपट 10-11 साल की उम्र है। ये बच्चा हर रोज अमृत वेले उठ के धन गुरु नानक देव महाराज के चरणों में आता सतसंगत करता नाम जपदा संगत की सेवा करता पखा झलदा लंगर विच सेवा करता। अज धन गुरु नानक देव महाराज जी की अमृत दृष्टि ये बच्चे ते पई। बाबा बुढ़ा साहब नू महाराज कहन लगे बाबा जी आ सामने जेड़ा बच्चा संगत की सेवा कर रहा ओनू मेरे कोल सद के लैके आओ। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। बाबा बुढ़ा साहब जी गए ये छोटे जे बच्चे नू कोल लैके आए जदों धन गुरु नानक देव महाराज के चरणों विच ये बच्चा आया आके गुरु नानक देव महाराज नू नमस्कार कीती। धन गुरु नानक देव महाराज कहन लगे पुत तू अमृत वेले उठदा हर रोज उठ के सतसंगत विच आउना लंगर विच सेवा करदा पखा झलण की सेवा करदा पुत तेरी उम्र किन्नी है। ये कहन लगा महाराज जी मेरी उम्र है 11 साल की। धन गुरु नानक देव महाराज कहन लगे पुत तेनू नींद नहीं आउंदी अमृत वेला है तेरे नाल दे बच्चे सुते पे होने हैं की गल तेनू नींद नहीं आउंदी। इन्हें आखिया महाराज जिन्हों सामने मौत वेखदी होवे उन्हों नींद किवें आवे। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। गुरु नानक देव महाराज कहन लगे पुत ओ तेरी 11 साल की उम्र है छोटी जी उम्र विच मौत दियां गल्लां करदा तेनू मौत का कित्थों ख्याल आ गया तेनू मौत बारे किवें याद आ गया। ये कहन लगा महाराज एक दिन मेरी मां ने मैनू आखिया ए तारू चुल्हे विच अग बाल दे मैं प्रशादा तैयार करना मैं अंदर आटा गुन्नदी हाँ तू लकड़ा पा चुल्हे विच अग बाल। बाबा जी मैं चुल्हे विच अग बालन लगा मैं मोटिया मोटिया लकड़ा चुल्हे दे विच पाईया अग बालन की कोशिश की पर अग नहीं बलदी सी। पांच दस मिनट बाद मेरी मां आटा गुन के बाहर आई मैनू आखिया पुत तेरे को अग नहीं बली इन्ना समा हो गया तू अग नहीं बाली। ए बाबा जी
मैं अपनी मां नूं आख्या मां मैं अग बालण दी बड़ी कोशिश कीती पर अग नहीं बल रही। मेरी मां ने मैनूं आख्या तारू पुत अग कदे भी मोटियां लकड़ां नूं नहीं लगदी, अग हमेशा छोटियां लकड़ां नूं लगदी है, सुके पत्तियां नूं लगदी है। पुत छोटियां छोटियां लकड़ां चुल्हे विच पा फिर अग बाल। ऐ बाबा मैं जदों छोटियां छोटियां लकड़ां चुल्हे विच पाईयां अग बाली ते अग बल गई। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। मेरे मन विच जदे ख्याल आया वे तारू जे अग पहलां छोटियां लकड़ां नूं लग सकदी है की पता तेरी वारी कदों आ जाए। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। महाराज उस दिन तो बाद मैं हर रोज थोड़ी संगत विच आउना, नाम जपदा, संगत दी सेवा करदा। महाराज तुसी वचन कीता सी जेड़ा नाम जपदा है ओदा मरना सौखा हो जांदा। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। क्या जाना किव मरेंगे कैसा मरना होए, जेकर साहिब मनो ना विसरे ता सहला मरना होए। जिन्हां नूं परमात्मा दा नाम नहीं भुलदा जेड़े सदा ही वाहिगुरु जी का नाम जपदे आ महाराज कहिंदे उहनां दा मरना सौखा हो जांदा। इस करके भाई जिन्ना क भी समा थोड़े को जरूर रब वास्ते कढ़िया करो। कहा विसासा इस भांडे का इतना कलागे ठनका। यह शरीर का कोई भरोसा नहीं है, यह शरीर विचों कदों सवाह निकल जाए, यह शरीर विचों जदों सह निकल गए साड़ी कोड़ी कीमत नहीं पाएगी। जिन्ना चिर शरीर विच सह है उन्ना चिर ही साड़ी कीमत। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। सा इस पांडे का इतना कला कैठन का कहावे सा इस पांडे का इतना कला कैठन का इतना कला कैठन का इतना कला कैठन का कहावे सा इस पांडे का इतना कला कैठन का कहावे सा इस पांडे का इतना कला कैठन का। लागो सब फन का मात पिता पाई सुत बनता हित लागो सब फन का इतना गो सब फन का इतना गो सब फन का कहावे सा इस पांडे का इतना कला कैठन का कहावे सा इस पांडे का इतना कला कैठन का।
पूछ तुल्हाबाद क्या भरवासा तन का। आगे को किछ तुल्हाबाद क्या भरवासा तन का, क्या भरवासा तन का, क्या भरवासा तन का। कहा विशासा इस पांडे का इतना गला कैथन का। कहा विशासा इस पांडे का इतना पिला कैथन का। सगल धर्म पुन फल पावो फुर बाछो सब जन का। सगल धर्म पुन फल पावो भूर बाछो सब जन का। कह कबीर सुनो रे संतो यह मन उदन पखेरु बन का। उदन पखेरु बन का उडन पखेरु बन का। कहा विशासा इस पांडे का इतना गला कैथन का। कहा विशासा इस पांडे का इतना गला कैथन का, इतना गला कैथन का, इतना गला कैथन का। कहा विशासा इस पांडे का इतना गला कैथन का। कहा विशासा इस पांडे का इतना गला कैथन का, इतना गला कैथन का, इतना गला कैथन का। वाहे गुरु। कहा विशासा इस पांडे का इतना कलाग है ठनका। महाराज कहते तेरे शरीर का कोई भरोसा नहीं है, ये शरीर नू थोड़ा जा भी ठनका लगा। ठनका की है? परमात्मा वाहिगुरु जी का बुलावा। जिदन परमात्मा वाहिगुरु जी वालों बख्शी की सवासा की पूंजी खत्म हो गई, जिदन उन्हें सदा भेज दिता, उदन असी दुनिया से एक सकेंट भी वाधू नहीं रह सकते। आखो सतनाम, एक सकेंट भी वाधू नहीं रह सकते जी। इस करके महाराज कहते आगे को किछ तुल्हा बादो क्या परवासा धन का। अगे तेरे धन ने नहीं जाना, अगे जाएगा परमात्मा वाहिगुरु जी का नाम। अज तुसी सियाने बैठे हो, पहले समय अपने घर कच्चे घड़े होंगे सी ना जी,
कच्चे घड़े विच बीबियां पानी पाके रखदियां हुंदियां सी। अज दे समें विच लोकां दे कोल सोने दे घड़े भी आउणगे, पर जे किते सोने दा घड़ा तिड़ जाए टुट जाए उहनूं कोई वार सुटदा जी? चांदी दा घड़ा भी होऊगा किसे दे घर, जे चांदी दा घड़ा टुट जाए तिड़ जाए उहनूं कोई वार नहीं घरों सुटदा। इत्थों तक जे किसे दे घर लोहे दा घड़ा भी होवे ओह तिड़ जाए टुट जाए उहनूं कोई वार नहीं सुटदा। पर जदों अपने घरां विच कच्चे घड़े टुट जांदे सी मिट्टी दे घड़े, उहनूं कोई घर रखदा सी जी? कोई नहीं सी घर रखदा, सारे घरों बाहर सुट आउंदे सी। महाराज कहिंदे तेरा शरीर मिट्टी दे घड़े दी न्याई है, जिद्दण इह टुट गया इहदे विचों साह निकल गए, तैनू भी किसे ने घर नहीं रखना। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। अरे बौरे तोहे घरी ना रखे कोई, तैनू किसे ने घर नहीं रखना। तू राम नाम जप सोई, तू परमात्मा दा नाम जपया कर, वाहिगुरु जी नू याद करया कर। चेतना है तो चेत लै निस दिन में प्राणी, छिन छिन औद विहात है फूटे कट जो पानी। तेरी जिंदगी दा घड़ा फुटिया होया इहदे विचों साह निकल रहे है, हर रोज निकल रहे है, निकलदे निकलदे एक दिन इहो जिहा भी समा आ जाएगा तेरा शरीर टुट जाएगा, तेरे कोलों अपना शरीर चुकिया नहीं जाएगा। इस करके शरीर विच रहिंदे रहिंदे ओह कारज करिए जिहड़े कारज वास्ते सानू परमेश्वर ने दुनिया ते भेजिया। एक विद्वान दियां बड़ियां सोहणियां लैणा, कहिंदे परमात्मा ने बंदे नूं शरीर दित्ता सी देवतियां वर्गा, पर इहने दुनिया ते आके परमात्मा दा नाम नहीं जपिया, वाहिगुरु जी नूं याद नहीं कीता। जदों इह दुनिया तों गया देवतियां वांग नहीं गया, इह राक्षसां वांग गया। खो सतनाम श्री वाहिगुरु। ओए दुनिया वालियो, जे मौत सानू एक सकिंट वाधू नहीं दे सकदी, असी मौत नूं एक साह वाधू क्यों देईए? असी एक भी साह परमात्मा की याद तो बिना किवें गुजारीए? जदों भी तुहाडे कोल समा आउंदा काम कार करदे, बीबीओ प्रशादा बनाउंदे, झाड़ू फेरदे, जिहड़ा भी काम करदे हो, तुहाडी लिव परमात्मा दे नाल जुड़ी रहे। महाराज ने कहा ना, हाथ पाओ कर काम सब, सारे काम कर हत्थां पैरां दे नाल, पर चीत निरंजन नाल। अपना चित वाहिगुरु नाल जोड़ के रख। किश्ती पानी विच चलदी है, पर पानी विच चलदी किश्ती चार उंगलां पानी तो उत्ते हुंदी है। जे वह चार उंगलां भी थल्ले हो जाए फिर तां किश्ती डुब जाएगी। महाराज कहिंदे संसार विच रह, हर काम कर कर बच्चियां नूं पाल, जिम्मेवारियां निभा, पर अपनी सुरत नूं संसार तो चार गुणा उच्ची चक्के रखी। आखो सतनाम श्री वाह। जे संसार तो चार गुणा उच्ची तेरी सुरत रहेगी, तू दुनिया तो परमात्मा दे घर सहजे पहुंच जाएगा। जे तेरी चार गुणा सुरत भी दुनिया दे विच खुब गई, परिवार विच खुबी रही, तां याद रखी जिद्दां किश्ती पानी विच डुब जांदी है, इसे तरह तू भव जल रूपी संसार सागर विच डुब जाएगा। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। खैर जदों किते भी मैं एहो जे समागम विच जाना, एक बेनती जरूर करी दी है, फिर मैं समाप्ति करदा जी। आ पंजाब दी धरती है, गुरुआं पीरां दी धरती है। ये पंजाब दी धरती ते नौ गुरु साहिबां दा प्रकाश होया जी। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने सानू खंडे बाटे की पौल दिती है पंजाब की धरती ते। ये पंजाब की धरती ते धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज गुरु अर्जन देव महाराज ने लिखवाए है। ये पंजाब की धरती ते गुरुआ ने गुरबाणी उचारण की है। पंजाब वसदा गुरुआ के नाँ ते है, पर सोच के वेखो जी, अज ओही पंजाब की धरती ते बिरध आश्रम खुल जाण, ये साढ़े मत्थे ते कलंक है जी। आखो सतनाम नहीं खुलने चाहिए जी। पंजाब की धरती ते बिरध आश्रम नहीं सी खुलने चाहिए। जेड़े गुरु की बाणी कह रही है, गुरदेव माता, गुरदेव पिता, गुरदेव स्वामी परमेश्वरा, महाराज कहिंदे जे तैं मेरी सेवा करनी है, मेरी सेवा करन तो पहला अपने घर बैठे बापू की सेवा करिया कर। मेरी सेवा करन तो पहला जिहड़ी तेरी बजुर्ग मां तेरे घर बैठी है ओदी सेवा करिया कर।
सिखा याद रखी जे तू अपने घर बैठे मां बाप की सेवा नहीं करता गुरुद्वारा साहब आके जिन्ने मर्जी झाड़ू पोचे मारी जा जिन्ने मर्जी जोड़े साफ करी जा आ गुरु ग्रंथ साहब महाराज ने खुश नहीं होना आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। अज तुसी सरदार बगीचा सिंह जी की अंतम अरदास अंदर शामिल होने वास्ते पहुंचे हो ते गुरमुखो प्रण करके जायो अपने बजुर्ग मां बाप की जरूर सेवा संभाल करनी है नहीं तो असी प्रोग्रामा ते जाईदा आ चंडीगढ़ वाल जदों दवान लाण वास्ते जाने एक बहुत वड्डा बिरध आश्रम उत्थे बनिया होया इधर लुधियाना साइड भी एक बहुत वड्डा बिरध आश्रम है उन्हां बिरध आश्रमां विच जाके पुछ के वेखो मापियां दे कोलों बापू नूं पुछो बापू तेरे घर पुत नहीं है जिहड़ा तू बिरध आश्रम विच रह रहा वह बाप आखेगा नहीं भाई साहब जी मेरे घर एक नहीं मेरे घर दो पुत है उन्हें पुछो गरीब होने हैं रोटी पानी नहीं चलती होनी रिक्शा चलाते होने दिहाड़ी करते होने उन्हें कहना नहीं भाई साहब दोने पुत मेरे वड्डिया पोस्टा ते बैठे आखो सतनाम श्री वाहे उन्हें पुछो फिर बापू तू क्यों बिरध आश्रम विच बैठा असी जाने जी पुछते हैं अपने पंजाब विच एहो जिहा बिरध आश्रम है एक मैं तुहानूं दिखा सकदा जिथे गरीब घरां दे मापे नहीं वड्डे वड्डे अमीर घरां दे करोड़ां पति बंदियां दे मापे उत्थे रहिंदे आखो सतनाम श्री वाहे अज दे नौजवानां दी तुहानूं सच्चाई मैं दस रहा अज दा नौजवान अपने मापियां नूं नाल रख के राजी नहीं है वह बापू ने तुहानूं कहना नहीं भाई साहब मैं बिरध आश्रम पता क्यों रह रहा क्योंकि मैं अपने पुत्रां धीआं नूं ज्यादा पढ़ा लिखा दिता आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। सच्चाई है जी अज दे पढ़े लिखे आ पंजे उंगलां इक्को जिहियां नहीं है पर बहुतात गिणती ये है अज पढ़े लिखे अपने मापियां नूं नाल रख के राजी नहीं आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। ते जे तुसीं वेखो एक रिक्शा चलाण वाला गरीब घर दा गरीब घर का बच्चा अपने मापियां नूं वधिया प्रशादा दे दिंदा रोटी दे दिंदा पर जिहड़ा अज दा पढ़िया लिखिया जिहड़ा कहिंदा मैनूं समझ बहुत है ऐ बापू मैं तेरे तों वध सियाणा मैं पढ़िया लिखिया ऐ मां तूं मैनूं गलत ना बोलिया कर मैं पढ़िया लिखिया एजुकेशन कीती होई है मैं अज ओह नौजवान अपने मापियां नूं नाल नहीं रखदे ओह मापियां नूं अनपढ़ दसदे है पर किते सोच के वेखो साडे मापिया ने साडी खातर की कुछ नहीं किया जी जेडे बापू ने बचपन दे विच अपने धीआं पुत्रां नूं हड पसीने की कमाई करके पालिया होवे जेडे बापू ने अपनी धी वास्ते वधिया वधिया सूट लियांदे होण आप बेशक घसियो पुराने कपड़े पांदा होवे जेड़ा बापू अपने पैर विच बेशक कसियो जुत्ती पाउंदा होवे अपने पुत्रा वास्ते वधिया वधिया बूट लियाउंदा होवे जेड़ा बापू आप अनपढ़ होवे पर उहदे मन विच इह हुंदा वे मेरा पुत वधिया पढ़ लिख जावे चंगी पोस्ट ते लग जावे अफसर बन जावे जे ओही बच्चे वड्डे हो के अपने मापियां नूं धक्के मार के घरों बाहर कढ़न जा आपियां अपने मापियां नूं गालां कढ़न माड़ा चंगा बोलण मैनूं दस्सिओ जी ओह मापियां दे दिल ते की गुजरदी होएगी। तुसीं जिंदगी विच जिन्ना मर्जी पैसा कमा लिओ याद रखियो मेरी गल जिंदगी विच तुहाडे कोल जिन्ना मर्जी पैसा होवे धन दौलत होवे तुहाडी दुनिया विच जिन्नी मर्जी चलदी होवे पर एक समा आएगा थोड़े वर्गा कंगाल कोई नहीं होएगा आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। जे तुसी अपने मापियां दी सेवा नहीं ना करदे ओह रब दे घर विच थोड़ी वैल्यू जीरो है मैं अपने कोलों नहीं कह रहा धन गुरु रामदास महाराज जी की बाणी है महाराज कहिंदे सिखा अपने मापियां नूं कदे भी माड़ा चंगा ना बोली जेडे मापिया ने तेरी खातर इन्ना कुछ किया उन्होंने कदे गलत ना बोली गाला ना कड़ी माड़ा ना बोली जे तू अपने मां बाप नू गलत बोलेगा गाला कड़ेगा
मापियां नूं माड़ा बोलेगा तो याद रखी तू दुनिया का सब तो वड्डा पाप कर रहे। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। ये पाप तेरा दरगाह विच जाके भी बख्शिया नहीं जाएगा। बाणी का फैसला है, महाराज कहिंदे काहे पूत झगड़त हो संग बाप, ओए जिनके वडे वडीरे तुम हो तिन सिओ झगड़त पाप। ओए पुत्र जिन्हें तेनू वड्डियां कीता, तेनू पढ़ाया लिखाया, तेनू तुरन जोगा कीता, जे तू ओदे नाल झगड़ा करदा दुनिया तां सब तो वड्डा तू पाप कर रहे। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। इको ही एक रिश्ता है मां बाप का रिश्ता, जेड़ा रिश्ता सानू धुर दरगाह तो परमात्मा वालों मिलता। आ जिन्हें असी तुसी रिश्ते बनाए हैं ना जी, कोई मामा चाचा ताया फुफड़ भैन भरा, ये सारे रिश्ते दुनिया से आके बने हैं। एक माँ ते प्यो दा ही रिश्ता है जेड़ा रिश्ता दरगाह विचों परमात्मा लिख के भेजता। आ अज ये परिवार साढ़े सत्कारयोग सरदार कश्मीर सिंह जी, सरदार प्रितपाल सिंह जी ते बापू जी दियां धीआं बीबी जसवीर कौर, साडी भैण बलजिंदर कौर, ये परिवार नूं किते पुछ के वेखो, अज सरदार बगीचा सिंह जी अखां सामने नहीं हन, वह दुनिया तो चले गए। ये बापू जी दे पुत्र धी हुण किसे नूं कह सकणगे भी ये मेरा बाप है? कह सकदे आ जी? किसे दी मां नूं कोई मां कह सकदा भी ये मेरी मां है? नहीं। अपने मां बाप नूं मां किया जांदा, दूजी दी मां नूं ये किया जांदा भी मां दे बरोबर है, ये मेरी मां वर्गी है, ये मेरे बापू वर्गा है, ये मेरे बापू दे समान है। पर किसे नूं बापू नहीं किया जांदा। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। इस करके अपने मां बाप दा जरूर सत्कार करो, अपने मां बाप दी जरूर सेवा संभाल करो। आओ पंज मिंट दी कविता है, वो सरवण करा के फिर मैं थोड़े को खिमा ले लेनी है। मां बाप दे प्यार विच एक कवि ने बड़िया सोहनिया लाइना लिखिया। बच्चे बाप दा कर्ज नहीं ला सकदे, कर्ज बाप दे पालने बड़े औखे, जो भी कट देन बच्चे बोल मुहो, हुंदे बाप लई पालने बड़े औखे। मां दी सिफत ता हर कोई कर जांदा, पिता किसे नू भी नहींयो याद रहिंदा, हुंदा प्यो भी रब दा रूप संगते, जिस दे सिर ते कर आबाद रहिंदा, ओदे सीने विच भी दिल हुंदा, जो औलाद दी खुशी लई बेताब रहिंदा, बेहिसाब प्यार नहीं वेखदा कोई, ओदे गुस्से दा हर एक नू हिसाब रहिंदा। मापियां नू प्यार देओ ना तो लवो तुसी दुआवा, मापियां नू प्यार देओ ना तो लवो तुसी दुआ, मापियां नू प्यार देओ ना तो लवो तुसी दुआवा, मापियां नू प्यार देओ ना तो लवो तुसी
दुआवां ना पवे ग्रिस्थी ते ना पवे ग्रिस्थी ते कदे भी दुखां दा परेशावा मापियां नू प्यार दियो ना तू लवो तुसी दुआवा मापियां नू प्यार दियो ना तू लवो तुसी दुआवा रीजा ते सदरा नाल बच्चे नू मापे लाडल डौंदे नित तिल तिल वधदे नू वेख के फुल्ले नहीं समाउंदे रीजा ते सदरा नाल बच्चे नू मापे लाडल डौंदे नित तिल तिल वधदे नू वेख के फुल्ले नहीं समाउंदे मां प्यो दी ममता दा प्यो दी ममता दा लबे ना होर किते सिर ना वा मापियां नू प्यार दियो ना तो लगो तुसी दुआवा मापियां नू प्यार दियो ना तो लगो तुसी दुआवा कहंदे ने पुत्रा नाल रहंदी जग दे विच निशानी दिल पुछया ही जाने जद ओ भुल जांदे कुर्बानी कहंदे ने पुत्रा नाल रहंदी जग दे विच निशानी दिल पुछया ही जाने जद ओ भुल जांदे कुर्बानी बच्चियां नू जमदियां ने बच्चियां नू जमदियां ने कफन रख सराने मावा मापियां नू प्यार दियो ना तो लवो तुसी दुआवा मापियां नू प्यार दियो ना तो लवो तुसी दुआवा एक वेरा तुर गए जे मिलने नहीं मुड़ के मापे एक वेरा तुर गए जे मिलने नहीं मुड़ के मापे सेवा संभाल करो इना दे सौखे लंगन बुढ़ापे सेवा संभाल करो ना दे सौखे लंगन बढ़ापे वड्डिया तो आसीस लवो वड्डिया तो आसीस लवो अमर तो निगिया शुभ इशावा मापियां नू प्यार दियो ना तो लवो तुसी दुआवा मापियां नू प्यार दियो ना तो लवो तुसी दुआ।